फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रवा उत्तपम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं और ये झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम बेटर तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बड़ा बॉल लिया है, उसमें हम एक बड़ी कटोरी रवा डालेंगे। ये बारीक वाली रवा है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम एक छोटी कटोरी से दही डाल लेंगे। तो रवा की आधी क्वांटिटी में दही होनी चाहिए। आपकी दही यदि आपकी दही खट्टी है तो मात्रा कम कर दीजिए, और ताजी है तो थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा। अब हम एक व्हिस्क की मदद से उसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दही से अपनी रवा जो है हल्का सा गीली हुआ है। तो अब हम इसमें पानी डाल के बेटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बेटर को घोलेंगे। हमें एक गाढ़ी बेटर बनानी है, ज्यादा पतला नहीं बनाना है। तो पानी की मात्रा हम थोड़ा थोड़ा ही डाल के करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रवा की आधी कटोरी दही डाली थी और 1/4 ग्लास पानी डाला, तो ऐसी कंसिस्टेंसी आई है। अभी हम बेटर को ढक के 15 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। फिर फाइनल इसमें पानी डाल के आपको दिखाएंगे कि हमें बेटर की कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। जब तक अपनी बेटर फूल रही है तब तक हम उत्तपम के लिए कुछ सब्जियां काट लेंगे। यहाँ पे हमने एक टमाटर काट लिया है, एक कैप्सिकम काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा गाजर को बारीक काट लिया है और एक प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक काटा है, आप देख सकते हैं। चलिए हम अपना बेटर चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुका है, बेटर देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं हमने जितना पानी डाला था तो रवा फूल के ये अपनी बेटर जो है गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल के और फेंट लेंगे, क्योंकि जब हम रवा को फूलने के लिए छोड़ते हैं तो बेटर गाढ़ी हो जाती है। वैसे तो हमें उत्तपम के लिए गाढ़ी ही बेटर चाहिए, पर इतनी भी गाढ़ी नहीं। ऐसे हम फेंट लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद हम बेटर को फिर से अच्छे से फेंटेंगे। आप देख सकते हैं बेटर अपनी गाढ़ी है, तो हम थोड़ा और पानी ले रहे हैं। नमक को हम अच्छे से फेंटेंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमें उत्तपम के लिए। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बस ऐसी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, गैस को हमने ऑन कर लिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल को हम हल्का सा ऐसे फैला देंगे। तो आपको जितना बड़ा उत्तपम बनाना है उतना बड़ा एरिया में तेल को ग्रीस कर लीजिए। अब हम बेटर को घोलते हुए एक चम्मच बेटर लेंगे और धीरे से पैन में डाल देंगे। पैन के चम्मच के पिछले हिस्से से हम इसे हल्का सा ऐसे फैला देंगे, क्योंकि उत्तपम थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, ज्यादा पतला नहीं करते हम इसे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे। तो हम इसपे सबसे पहले थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा कैप्सिकम डालेंगे और थोड़ा सा हम गाजर डालेंगे।
अब हम इस स्पैचुला की मदद से सब्जियों को हल्का सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से क्या होता है, ये अच्छे से चिपक जाता है। जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरता है। फाइनल हम इस पे हल्का सा चुटकी भर नमक छिड़क देंगे, क्योंकि बेटर में हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा है, और चुटकी भर हम इस पे लाल मिर्च डालेंगे। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालिए या ग्रीन चिल्ली डालिए या लाल मिर्च पाउडर डालिए। अच्छे से हम उत्तपम को 1 से 1.5 मिनट तक सिकने देंगे। आप देख सकते हैं किनारे से, मैं आपको दिखा देती हूँ, सिकने का ये पहचान आता है, यानी कि हल्का हल्का ड्राई दिखने लगता है। उस स्टेज पे हम इसे फ्लिप करेंगे। अब हम इस पे चुला के किनारे से ऐसे ऐसे इसे चारों तरफ से उठाएंगे और बीच में ऐसे करते हुए धीरे से इसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी उत्तपम सिकी है, देखने में सुंदर और अच्छे से पक चुकी है। तो हम मीडियम फ्लेम पे सब्जी वाले साइड से भी इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। चलिए हम दूसरे साइड से भी इसे उलट के देख लेते हैं। तो हम इस पे चूल्हा को इसे धीरे से घुमाते हुए इसे उलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी उत्तपम सिकी हुई है। तो हम थोड़ा सा किनारे किनारे तेल और डाल के और इसे एक बार सेक देंगे। फ्लेम मीडियम ही है, हमें स्लो नहीं करना है। अपनी सब्जियां जो है अच्छे से पक चुकी हैं, उत्तपम अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में डिश आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी उत्तपम बनके तैयार हुई है। सेम प्रोसेस से हम सभी उत्तपम बनाएंगे। 1 चम्मच तेल से हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे, 1 चम्मच बेटर लेंगे और बीच में हम डाल देंगे। चम्मच के पिछले हिस्से से हम इसे हल्का सा फैला देंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बेटर डालिए और हल्का सा फैला दीजिए। अब हम इस पे थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे, थोड़ा सा कैप्सिकम डालेंगे, ये कलरफुल बहुत सुंदर दिखता है, और थोड़ा सा टमाटर। इस पे चूल्हा से हम इसे ग्लेज कर देंगे। अपनी बेटर ज़्यादा सूखने ना पाए, यानी कि गीला हो, तभी हम इसे ग्लेज कर लेंगे, तो ये अच्छे से चिपक जाता है। अब हम इस पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा रेड चिल्ली डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, यानी कि इसे हम अच्छे से सिकने देंगे, फिर फ्लिप करके दिखाएंगे। चलिए हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है अपने उत्तपम का, और दूसरे साइड से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। दूसरे साइड से अपनी उत्तपम सीक चुकी है, तो इसे हम चलिए फिर से फ्लिप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी उत्तपम बन के तैयार हो रही है। तो ऐसे हम उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से इसे पका लेंगे। चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आप कितना बढ़िया अपना उत्तपम बन के तैयार हो रहा है। ऐसे ही हम सभी उत्तपम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया उत्तपम बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी से भरी हुई स्वादिष्ट उत्तपम आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।